नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वाय। दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ देशद्रोह और आमजन की भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर स्पेशल थाने में दर्ज हुआ है। हालांकि पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने अपने विवादित और भड़काऊ बयान के सोशल मीडिया से हटा दिया था। साथ ही 1 मई को उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी। INS के पास मौजूद FIR के मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता कौशल कांत मिश्रा सेक्टर ए वसंत कुंज नॉर्थ में रहते हैं। मिश्रा ने सफदरजंग थाना पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा 28 अप्रैल 2020 को दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नाम के एक भड़काऊ पोस्ट फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर डाली थी, जिससे समाज में नफरत फैल सकती थी। मामले की गंभीरता को देखकर ACP सफदरजंग ने शिकायत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाने में भेज दी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाने ने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ इसी शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर दिया। यह केस IPC की धारा 124A 153A के तहत दर्ज किया गया। इस मामले की जांच स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने 28 मार्च को सोशल मीडिया के जरिए तमाम आपत्तिजनक बयान दिए थे। उनके इस बयान पर देश में एक बहस छिड़ गई थी। तमाम लोगों ने इस बयान को भड़काऊ और समाज में अशांति वाला करार दिया था। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।